सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप मुबारक हो कि आप एडवोकेट बने, और एडवोकेट बनने के लिए क्या प्रोसीजर होगा तो आप हमें गाइड कर दीजिए सर प्लीज़। देखिए, पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र कि अल्लाह ताला ने ये डिग्री भी मुझे दे दी थी LLB की, और माशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल एडवोकेट बन गया हूँ। सबसे अहम बात ये है कि मकसद वही है जो मेरा चैनल का था, लोगों को अच्छी चीज़ पहुँचाना है। एज ए एडवोकेट भी बेगुनाह लोगों के केसेस लड़ना है मैंने, जो कि राइट है, गलत लोगों के नहीं। अगर आप बेगुनाह हैं तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा, आप राइट पर हैं। एडवोकेट बनने के लिए देखिए, मैंने तो साइंस में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद LLB किया था। 3 साल का LLB था, वो क्लियर हुआ। उसके बाद पढ़ाने में मैं काफ़ी बिजी रहा था। लास्ट ईयर मेरे एक सीनियर हैं, उनका मैं बहुत थैंक्स भी करता हूँ, उनके अंडर मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग की थी, टोटल 10 केसेस लड़े थे। उसके बाद फिर हम लोगों का इंडिमेशन फॉर्म किया था, उसके बाद एक रिटन टेस्ट हुआ था और एक वाइवा हुआ था, जिसके बाद मुझे LLB की बार काउंसिल की मेंबरशिप मिल गई। और इसमें देखें, एक पहले तो आपको सिंध बार काउंसिल से रजिस्टर होना होता है, जिसका ये कार्ड है। फिर उसके बाद सिंध में की किसी कोर्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, जैसे कि मैं कराची बार एसोसिएशन से हुआ। और उसके बाद आप प्रैक्टिकली एडवोकेट बन जाते हैं। लेकिन अब प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है कि LLB अगर आपने किया हुआ है, 6 मंथ का पहले तो इंडिमेशन करें किसी सीनियर के तहत। उसके बाद अब इस वक्त NTS का टेस्ट भी लाजमी कर दिया गया, और LAT लॉ एडमिशन टेस्ट भी लाजमी कर दिया।